जिसमे रामीम असल वेलकम बैक टू फ्लेवर्स ऑफ आशिक किचन आज मैं आप लोगों के लिए आम के मुरबे की रेसिपी लेकर आई हूँ आपसे शेयर करने के लिए वो भी मेरी मम्मा के स्टाइल में तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मम्मा ने कैरीयों को छील लिया था और फिर ऐसे बारीक बारीक इस शेप में मम्मा ने इन्हें कट कर लिया था कैरीओं को इसी दौरान किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी ऑल वीडियोज़ को लाइक करें ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कच्चे आम का मुरब्बा बहुत मज़े का बनता है और दूसरी तरफ मम्मा ने एक पतील में जो है पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया था दो किलो आम लिए थे मम्मा ने ये और दो किलो आम के लिए मम्मा जी मम्मा ने जो है वो तकरीबन चार से पाँच को पानी जो है वो बॉयल करने के लिए रखा था और जब पानी बॉयल हो गया था तो मम्मा ने केरियाँ जो इस शेप में काट के रखी थी उन्हें बॉयल करने के लिए पानी में शामिल कर दिया और पाँच से पाँच से छः मिनट तक मम्मा ने इसको बॉईल किया अच्छी तरह मम्मा ने इसको चम्मच से मिक्स करके बॉयल किया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और बॉयल हो जाए आम जब बॉयल हो रहा था तो इतनी मज़े मज़े की खुशबू आ रही थी ओके मम्मा ने इसको अब पाँच मिनट तक के लिए इसको बॉयल किया अच्छी तरह ताकि ये पक जाए अब ममा ने केरीओ को अच्छी तरह छान छान लिया था ताकि बिल्कुल पानी जो है वो इनका खुश्क हो जाए अब आप मेरी सकिन पर जो इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं वो इसमें शामिल होंगे तीन से चार अदद जो है वो गुड़ ले लिया था यानी कि ब्राउन शुगर और एक चम्मच जो है वो कलौंजी ली थी मम्मा ने डेढ़ चम्मच कुटी हुई मिर्ची ली थी और पंद्रह से बीस जवे जो है वो लहसुन के ले लिए थे और दो कप चीनी ली थी मम्मा ने जो यानी कि टोटली एक किलो के उसमें थी एक किलो चीनी थी और इस तरफ मम्मा ने जो है वो कुकर में एक चम्मच जो है वो घी ऐड कर लिया था और अच्छी तरह उसे गर्म होने दिया मेरी मम्मा के हाथ में जादू है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अच्छे से मम्मा ने इसको गर्म होने दिया था घी को और फिर इसमें मम्मा ने सबसे पहले जो है वो लहसन के जबे इसमें ऐड किए थे माशाल्लाह इतनी खुशबू आ रही थी जो मम्मा ने लहसन ऐड किया और ये मसाले और फिर कुटी हुई मिर्चें मम्मा ने इसमें शामिल की और उसके बाद जो है वो कलौंजी मम्मा ने इसमें शामिल कर दी और अच्छी तरह इसे चम्मच से जो है वो चला के मिक्स किया और इसके बाद जो है मम्मा ने वो चीनी ऐड की थी और एक कप पानी ऐड किया था मम्मा ने और फिर इसे अच्छी तरह मम्मा ने चम्मच से चलाया ताकि सब मिक्स हो जाए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी ऑल वीडियोज़ को लाइक करें और मुझे मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और बाकी की जो चीनी थी वो मम्मा ने बाद में ऐड की है क्योंकि पूरी एक किलो चीनी इसमें ऐड करनी है दो किलो केरीओ का ये मुरब्बा है अब मम्मा इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही थी चम्मच से अब मम्मा ने गुड़ जो था वो एक कपड़े में जो है वो कूट लिया था यानी कि इसको टुकड़ों में पीस लिया था जो भी है और फिर मम्मा ने इसमें ऐड कर दिया वो और फिर जो है मम्मा ने इसकी चास बनने दी मम्मा कुछ कह रही थी कि चास नहीं बन रही है इसकी मम्मा ने चास बनने दी और दो तीन ड्रॉप्स जो हैं वो मम्मा ने एप्पल वेनेगर इसमें ऐड किया है और उसके बाद जो है वो मम्मा ने बॉयल की हुई जो कैरीज़ थी वो इसमें ऐड कर दी और अच्छी तरह मम्मा ने इसको मिक्स किया चम्मच से काफ़ी टाइम तक मम्मा ने इसको चलाया और इसके बाद एक चम्मच जो है वो मम्मा ने इसमें नमक ऐड किया था बहुत मज़े का मुरब्बा बनता है मम्मा अक्सर हमारे लिए बनाती हैं और आप इसे पराठे से भी खा सकते हैं और ब्रेड से भी खा सकते हैं और किसी अब जो है वो इसमें आ, उबाला आ रहा था यानी कि बॉयल हो रही थी तो मम्मा ने जो है वो आ, कुछ टाइम के लिए पाँच से छः मिनट के लिए इसको दम पर रख दिया और दम खोलने के बाद माशाल्लाह जो खुशबू आ रही थी बहुत ख़तरनाक वाली खुशबूएं थी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ईजी भी है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ओके जी आप फाइनल लुक देख सकते हैं मम्मा ने एक डोंगे में जो है वो इसको निकाल लिया था और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी आप इसे सेव भी कर सकते हैं किसी जार में और यूज़ कर सकते हैं मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा था मैंने तो फॉरेन फ्री से ब्रेड निकाली और जैम लगाया बहुत मज़े का लग रहा था माशाल्लाह और जब मैंने टेस्ट किया तो बहुत मज़े का था मम्मा को मैंने कहा मम्मा वाकई बहुत मज़े का बना है आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी मेरी मम्मा की उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्सअप दें लाइक करें मेरी वीडियोस को और ओके सी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा हाफिज़